नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए इस माह का राशिफल, जिसमें आप जानेंगे इस महीने के सामान्य रुझान यानी कि जनरल ट्रेंड्स, धन, व्यवसाय और निवेश, घर परिवार, प्यार, रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उपयोगी टिप और इस महीने के कुछ खास दिन और त्यौहार। इस महीने के राशिफल के बारे में विस्तार से जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे आपकी कुंडली में इस महीने ग्रहों का गोचर। तो आइए शुरू करते हैं। शुक्र 16 अगस्त को नवम भाव से दशम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य 17 अगस्त को नवम भाव से दशम भाव में चले जाएंगे। यह गोचर सिंह राशि में होगा। आपकी राशि के स्वामी मंगल 8 अगस्त को आपके नवम भाव से दशम भाव में चले जाएंगे और यह गोचर भी सिंह राशि में होगा। बुध इस महीने में दो बार राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले वे 3 अगस्त को मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे और दूसरी बार वे 26 अगस्त को सिंह राशि में गोचर करेंगे। यह आपका दशम भाव है। देवताओं के गुरु बृहस्पति 11 अगस्त को डायरेक्ट हो जाएंगे और वह वृश्चिक राशि में रहेंगे, जो कि आपका प्रथम भाव है। शनि पूरे महीने धनु राशि में वक्री रहेंगे, जो कि आपकी कुंडली का द्वितीय भाव है। इस महीने राहु मिथुन राशि में होंगे और केतु धनु राशि में रहेंगे। चंद्रमा प्रत्येक राशि में लगभग 2.5 दिनों तक का गोचर करेंगे। आइए अब समझते हैं कि इस महीने ग्रहों की चाल का वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस महीने वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में बहुत सारे पहलुओं के लिए एक सफल अवधि होने की संभावना है, जिसमें फाइनेंस, कैरियर, समाज में आपकी प्रतिष्ठा और आध्यात्म जैसे मामले शामिल होंगे। इसलिए आपको उन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिनमें आपको अगस्त 2019 में सफलता सुनिश्चित करनी है। महीने की शुरुआत में वृश्चिक राशि के जातक सकारात्मक संकेतों की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन करियर में असली सुधार 17 अगस्त के बाद ही आएगा। आप में से अधिकांश अपनी किस्मत में कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष सुधारों को देख सकते हैं। यदि आप एक प्रोफेशनल की तरह काम कर रहे हैं तो इस महीने ग्रोथ के साथ साथ अच्छे रिटर्न्स में भी वृद्धि दिखाई देगी। आपके कार्यक्षेत्र का माहौल कॉम्पिटिटिव लेकिन बढ़िया रहेगा। इस दौरान कई बार ईगो के कारण कुछ मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं। कार्यस्थल पर दिखावा करने से भी बचें। आपके सहकर्मियों और टीम के सदस्यों की कार्यशैली में 17 अगस्त के बाद थोड़ा सुधार हो सकता है, लेकिन आप और आपकी टीम अभी भी दबाव में बनी रहेगी। आप अपनी टीम के साथ स्वयं भी काम करें और इस महीने अधिक डेलीगेशन से बचें। आपकी आमदनी अच्छी रहेगी, लेकिन कभी कभी अस्थिर भी हो सकती है। कुछ सरप्राइज रिटर्न्स और अप्रत्याशित लाभ को छोड़कर निवेश करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा इस दौरान। कुल मिलाकर इस दौरान एक संतुलित दृष्टिकोण रखने और फाइनेंस में किसी भी प्रकार के जोखिम या सट्टे से बचने की आवश्यकता होगी। वृश्चिक राशि के वह जातक जो बिजनेस में है, वह अपने व्यवसाय में वृद्धि देख सकते हैं। हालांकि कॉम्पिटिटर्स आपके सामने नई नई चुनौतियां लाके खड़ी कर सकते हैं, इसलिए अपनी व्यवसायिक योजनाओं और उनको अमल करने में आने वाले समय में सतर्क रहें और गोपनीयता बरतें। आपके पारिवारिक मामले इस महीने सुचारू रूप से चलने की संभावना है, क्योंकि ग्रहों का योग वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अनुकूल है। परिवार के बुजुर्ग सदस्य आपके सामने कुछ मांगे रख सकते हैं और यह आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखते हुए और बड़ों के प्रति सम्मान के साथ साथ समझदारी से मुद्दों से निपटने में सक्षम होना होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन पर उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर उस व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं।
इसलिए ग्रहों की स्थिति और ग्रहों के गोचर का अध्ययन करके हम किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन की हो चुकी और होने वाली घटनाओं के बारे में सही अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का सटीक अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप हमसे पेड कंसल्टेशन लेकर उचित सलाह ले सकते हैं। आइए अब आगे के राशिफल के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों की लव लाइफ बहुत सकारात्मक रहेगी। आप में से ज्यादातर जातक प्यार के मामले में भाग्यशाली होंगे। कुछ मतभेद और कुछ मुद्दे 17 अगस्त के बाद सामने आ सकते हैं जो प्यार के मामलों से आपका ध्यान हटाएंगे। मौजूदा रिश्ते पहले की तरह ही रहेंगे। 17 अगस्त तक वैवाहिक जीवन के मामले बहुत सकारात्मक होंगे और उसके बाद अहंकार या वर्क कमिटमेंट्स या दोनों के कारण मतभेद सामने आ सकते हैं। वृश्चिक राशि के जो जातक अपने प्रेम संबंधों को छिपा के चल रहे थे उनके प्रेम संबंधों का अब खुलासा हो सकता है, इसलिए अभी से ही सतर्क रहें। वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल बताता है कि आप अपनी शिक्षा में बहुत सफलता प्राप्त करेंगे, खास तौर पर यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल या हायर लेवल्स के छात्र हैं। आप अपने शैक्षिक क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और छात्र जीवन का भी भरपूर आनंद लेंगे, जो कि आपको कुछ समय पहले तक चुनौतीपूर्ण लग रहा था, क्योंकि इस दौरान ग्रह एक बढ़िया मूड में है। इस महीने आपका मोटिवेशन और दृढ़ संकल्प आपको शिखर तक पहुंचाने में सहायक होगा। वृश्चिक राशिफल के अनुसार ग्रहों का योग आपको अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, इसलिए आप बिना चिंता के आराम कर सकते हैं। हालांकि इससे आपको अनहेल्दी डाइट्स का मजा लेने की कोई अनुमति नहीं मिल रही है। ध्यान रहे, ये अनहेल्दी डाइट आपको जिगर और हृदय की समस्याओं का कारण बन सकती है। ग्रहों की स्थिति के आधार पर कृपया आप ये सुनिश्चित करें कि आप गले में खराश देने वाली कोई भी पदार्थ को नहीं खाएं, नहीं पिए। ग्रहों के गोचर को देखते हुए इस महीने कुछ वृश्चिक राशि के जातक धार्मिक मामलों में ज्यादा रुचि ले सकते हैं। यह तो ठीक है, लेकिन वृश्चिक जातकों को जीवन के अन्य क्षेत्रों से विचलित नहीं होना चाहिए। जीवन में अधिक सफलता और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना फोकस ना खोएं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यह महीना आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा। अब हम बात करेंगे इस महीने के कुछ खास दिनों और त्योहारों के बारे में। 1 अगस्त श्रावण अमावस्या और हरियाली अमावस्या, 3 अगस्त हरियाली तीज, 4 अगस्त विनायक चतुर्थी, 5 अगस्त को है नाग पंचमी और 3 श्रावण सोमवार व्रत, 7 अगस्त को श्री तुलसीदास जयंती, 11 अगस्त को श्रावण पुत्रता एकादशी, 12 अगस्त को चौथा और आखिरी सावन सोमवार व्रत, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा, 18 अगस्त को कजरी तीज, 24 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी। यदि आप इस माह अपने राशि के पूर्णमान को अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश वीडियो का लिंक दे दिया है और जिसका स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर अब देख सकते हैं। तो यह था आपकी राशि का इस माह के लिए राशिफल। अगर आप ज्योतिष और उससे संबंधित रोचक और लाभकारी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट hindi.topastrologer.com/blog पर जाकर मनपसंद आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और इस वीडियो की जानकारी अन्य लोगों को देने के लिए उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। हम आगे भी बहुत सारे उपयोगी वीडियोस लाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि उन वीडियोस की जानकारी आपको फौरन मिल जाए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले निशान को क्लिक करना ना भूलें। हमेशा की तरह आप हमें अपने प्यार, सहयोग और सुझाव देते रहें, इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और बल मिलता है। आने वाला समय आपके लिए मंगलमय, खुशहाल रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे साथ हमेशा बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।